हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिकेट बायो। आज के इस वीडियो में आपको ऐसा इनोवेटिव शॉट सिखाने वाला हूँ जिसका नाम है लैप शॉट। लैप शॉट का नाम लेते ही सबसे पहले एबीडी विलियर्स सर का नाम सामने आता है, क्योंकि ये शॉट उनसे बेहतर कोई नहीं खेल सकता। बहुत ही आसानी से वो ये शॉट खेल लेते हैं, पर क्या आपको रियलिटी पता है इस शॉट की क्या है? इस शॉट की रियलिटी ये है कि ये शॉट क्रिकेट में सबसे डेंजरस शॉट माना जाता है, क्योंकि अगर आपने लैप शॉट को सही तरीके से एग्जीक्यूट नहीं किया तो बॉल सीधा आके आपके फेस पे भी लग सकती है। इसीलिए ये बहुत ही डेंजरस शॉट माना जाता है, पर आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा कैसे ये शॉट को खेला जाता है। और इस वीडियो में आपको ये भी बताऊंगा कि ये शॉट खेलते वक्त आपको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो फिर चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारी फर्स्ट टिप है इनिशियल मूवमेंट। लैप शॉट खेलते वक्त आपको यूज़ करना है क्रीज की डेप्थ को। बॉलर के हाथ से बॉल रिलीज होने से पहले ही आपको क्रीज के अंदर चले जाना है, अपना इनिशियल मूवमेंट ले लेना है। अब इनिशियल मूवमेंट लेने से आपको फ़ायदा क्या होता है? आपको एक एक्स्ट्रा टाइम मिल जाता है बॉल की लाइन और लेंथ जज करने में, और साथ ही साथ आप ये भी डिसाइड कर लेते हो कि आपको कौन सा शॉट मारना है उस पर्टिकुलर बॉल पे। अब आप सोच रहे होंगे कि इनिशियल मूवमेंट लेना इतना ज़रूरी क्यों है? अब ये ज़रूरी क्यों है, इसके मैं आपको कुछ रीजंस भी बता देता हूँ। सबसे पहला रीज़न इनिशियल मूवमेंट लेने से आपको फ़ायदा क्या होता है? ये ज़रूरी नहीं है कि बॉलर हर बॉल आपके बॉडी के क्लोज डालेगा। तो हम इनिशियल मूवमेंट लेकर क्या करते हैं, हम जितना हो सके बॉल के क्लोज रहने का ट्राई करते हैं इनिशियल मूवमेंट लेकर। और दूसरा रीज़न ये है इनिशियल मूवमेंट लेने से आपकी बॉडी एक बैलेंस्ड पोजीशन में रहती है, जो कि बहुत ज़रूरी है जब आप लैप शॉट खेलते हो। अब इनिशियल मूवमेंट लेने के बाद आपको क्या करना है, आपको अपने राइट लेग के नी को बेंड करना है, बिल्कुल इस तरीके से बेंड करना है। टच भी रहेगा तो भी चलेगा, ऐसे राइट वाले नी को बेंड करना है। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको अपने बैट के फेस को ओपन करना है, बिल्कुल ऐसे पूरा ओपन रहेगा आपका बैट का फेस है जो पूरा ओपन रहेगा। अगर आप इसे हाफ ऐसे ओपन करोगे, अगर आप अपने बैट के फेस को हाफ ओपन करोगे तो इसका डिसएडवांटेज आपको क्या होगा, बॉल बैट के एच पे भी लग सकती है, एच पे लगकर सीधा हवा में चली जाएगी और आप कैच आउट भी हो सकते हो। और अब इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको अपने लोअर हैंड को यूज़ करना है लैप शॉट खेलते वक्त। लोअर हैंड की रिस्ट को यूज़ करना है बॉल को डायरेक्शन देने के लिए। अब मान लो मुझे विकेट कीपर के ऊपर से बॉल मारनी है, तो मैं क्या करूँगा, मैं अपने लोअर हैंड से बैट को ऐसे पीछे की तरफ फ्लिप करूँगा, ऐसे बिल्कुल इस तरीके से, तो बॉल बैट पे लग के सीधा विकेट कीपर के ऊपर से चली जाएगी। पर लैप शॉट खेलते वक्त लैप शॉट में मेन यही है कि आपका मोमेंटम कैसा है। अगर आपका मोमेंटम सही है तो बॉल बाउंड्री लाइन के पार जरूर जाएगी। अगर आपको बहुत सारे पैसे कमाने हैं और भी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम है, तो आज मैं आपको ऐसा प्लेटफॉर्म बताने वाला हूँ जिस पर आपको करना कुछ नहीं है, सिर्फ बैट लगानी है विनिंग टीम पे या फिर कोई इवेंट पे। इस प्लेटफॉर्म का नाम है बॉन्स कैसीनो। बॉन्स कैसीनो एक ऑनलाइन स्पोर्ट्स बेटिंग प्लेटफॉर्म है, ये एक जापानीज कैसीनो भी है। यहाँ पे आप अपनी बैटिंग स्किल्स यूज करके बहुत सारे पैसे कमा सकते हो, और सबसे मजे की बात यह है कि आप खुद अपने विनिंग अमाउंट को INR में भी कन्वर्ट कर सकते हो। अगर आपको भी यहाँ से पैसे कमाने, तो सबसे पहले अपना अकाउंट क्रिएट करो या फिर आप सीधा बॉन्स कैसीनो पर जाकर साइनअप भी कर सकते हो। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है जहाँ से आप सीधा बॉन्स कैसीनो पर जाकर साइनअप कर सकते हो। और अगर आप मेरा ये प्रोमो कोड यूज करते हो तो आपको मिलेगा 200% एक्स्ट्रा बोनस, और साथ ही साथ आपको फ्री बिट मिलेगी $10 का। तो सो बहुत ही मजेदार अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए, जल्दी जाके साइनअप कीजिए बॉन्स कैसीनो पर। इस वीडियो में मैं आपको एक और टिप भी दे देता हूँ, लैप शॉट खेलते वक्त आपको क्या गलतियाँ नहीं करनी चाहिए। लैप शॉट का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है टाइमिंग। टाइमिंग डिपेंड करता है आपके बैट की लिफ्ट पे। अब मान लो लैप शॉट खेलते वक्त अगर आपने बैट को जल्दी लिफ्ट कर लिया, अगर आपने बैट को जल्दी ऐसे लिफ्ट किया, तो क्या होगा, बॉल बैट पे लग के सीधा हवा में चली जाएगी और आप कैच आउट हो जाओगे। तो इसीलिए आपको अपने बैट को जल्दी लिफ्ट नहीं करना है। और अगर आपने इस बैट को गलती से भी लेट लिफ्ट किया तो बहुत ही डेंजरस हो सकता है आप लोगों के लिए, क्योंकि अगर आप लेट लिफ्ट करोगे तो बॉल आपके बैट से तो कांटेक्ट में आएगी भी नहीं, और सीधा आपके चेस्ट पे लग सकती है या फिर आपके फेस पे भी आके लग सकती है। इसीलिए लैप शॉट को सबसे डेंजरस शॉट माना जाता है। मेरी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप जितना सेफ हो सके इस शॉट को खेलिए। बाकी मैंने जो भी इस वीडियो में टिप्स बताई है, उन टिप्स को फॉलो कीजिए, आपको ज़रूर हेल्प होगा लैप शॉट खेलने में। तो इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। इस वीडियो के रिलेटेड अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। आपकी कमेंट का रिवर्ट करके मैं आप सभी लोगों की हेल्प करूंगा। और मुझे कमेंट सेक्शन में ये भी बताइए कि आपको नए वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए, तो हम पूरी कोशिश करेंगे उस टॉपिक पे नया वीडियो बनाने के लिए। और हमें इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो कीजिए, या हमारा इंस्टाग्राम यूज़र नेम cricketbio1, जल्दी जाके फॉलो कीजिए, क्योंकि हम यहाँ पे हमारे अपडेट्स डालते रहते हैं। और हमें यहाँ से सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।